हे फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सिमी। फ्रेंड्स, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा है कि उन्होंने फेशियल के बाद ब्लीच अप्लाई कर दिया था जिससे उनका फेस बहुत ज़्यादा काला पड़ गया है और वे इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि फेशियल और ब्लीच में पहले क्या करें जिससे किसी और को इस तरह की परेशानी ना हो और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले कि आपको क्या करना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा। फ्रेंड्स, क्या आप ही अपने चेहरे पर ब्लीच लगाते हैं? ब्लीच लगाने से चेहरे के अनचाहे बाल छुप जाते हैं, टैनिंग रिड्यूस हो जाती है जिससे आपकी स्किन में एक ग्लो आ जाता है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट और ग्लोइंग नज़र आती है। डेली बेसिस पर ब्लीच नहीं यूज़ करना चाहिए। फंक्शंस या ओकेशंस में आप इसे लगा सकते हैं, या फिर अगर आप ब्राइट टू बी हैं तो इस तरह के ओकेशंस पर आप ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि कम से कम 3 मंथ्स की गैप में ही आप ब्लीच अप्लाई करें। बट फ्रेंड्स, ब्लीच यूज़ करते टाइम आपको कुछ सावधानियों का भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर आपकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन है तो ब्लीच अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और उसे 5 मिनट्स तक रहने दें और फिर उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर दें। टॉवल से अपने फेस को ड्राई करें और इसके बाद आप ब्लीच अप्लाई करें। और इसके अलावा आप इस बात पर भी ज़रूर ध्यान दें कि ब्लीच को सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा देर तक रखेंगे तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपके लिए 5 to 7 मिनट्स भी बहुत हैं ब्लीच अप्लाई करने के लिए। अगर आप कोई भी नई ब्लीच फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो पहले आप उसे अपने हाथ पर लगाकर उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि फेशियल और ब्लीच में से आपको पहले क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको फेशियल से पहले ब्लीच करना चाहिए और फेशियल और ब्लीच में कम से कम 30 से 40 मिनट्स यानी 30 से 40 मिनट की गैप ज़रूर रखें। और अगर पॉसिबल हो सके तो आप एक दिन ब्लीच करें और उसके नेक्स्ट डे फेशियल करें या फिर करवाएं, यानी 24 घंटे का गैप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स, फेशियल के बाद आपको ब्लीच बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि फेशियल करने से हमारे स्किन के पोर्स खुल जाते हैं। और अगर आप इस समय ब्लीच अप्लाई करेंगे तो क्योंकि ब्लीच एसिडिक होता है नेचर में, ये आपकी स्किन पर बहुत बुरा असर करेगा जिससे आपको स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप ये सिंपल बातों का ध्यान रखेंगे तो आप स्किन प्रॉब्लम्स से दूर रहेंगे और आपकी स्किन ग्लोइंग और ब्यूटीफुल बनी रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको भी कोई स्किन केयर रिलेटेड सवाल है या डाउट है तो आप भी अपना सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।